वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स हो आप सब बढ़िया होंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें हम करेंगे डिस्पर्शन का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स। देखो, मीनिंग क्या होता है डिस्पर्शन का? डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम्स। यानी जो डिस्पर्शन है वो हमें वेरिएशन ऑफ आइटम्स को मेजर करने में हेल्प करते हैं। यानी हम डिस्पर्शन के थ्रू वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। देखो, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ डाटा। यानी ये डेफिनेशन हमें स्पाइजल ने दिया। बेसिकली इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है, देखो जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है वो एक एवरेज वैल्यू के अराउंड स्प्रेडेड है। वो कितना स्प्रेडेड है? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड, यानी उसकी क्या डिग्री है स्प्रेड की, वो हमें डिस्पर्शन, उस चीज़ को हम डिस्पर्शन ऑफ डाटा कहते हैं। यानी कि एक एवरेज वैल्यू के अराउंड जितना न्यूमेरिकल डाटा स्प्रेड है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ डाटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आइटम्स फ्रॉम द एवरेज वैल्यूज ऑफ सीरीज। यानी कि हमने जितनी भी सीरीज में आइटम्स हैं उनकी वेरिएशन को चेक करना है, जितनी उनकी वेरिएशन है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ सीरीज। एवरेजेस क्या होते हैं? लाइक मीन, मीडियन एंड मॉड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू नो द कंपोजिशन ऑफ सीरीज और द डिस्पर्सल ऑफ वैल्यूज ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि हमने, इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमें ये एवरेज वैल्यू दी हुई है तो हमने दोनों साइड्स पे चेक करना है कि जो डाटा है वो किस साइड की ओर डिस्पर्स हो रहा है। ये हमें डिस्पर्शन इंडिकेट करती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द रेंज ऑफ वैल्यूज। हमें डिस्पर्शन वैल्यूज की रेंज को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। रेंज होती है हमारी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर डिस्पैरिटी बिटवीन टू और मोर सीरीज। देखो, हम जितना भी डाटा का डिस्पर्सल हो रहा है वो हम सीरीज में वो तो डिस्पर्शन से फाइंड आउट कर ही सकते हैं। इवन कि हम जितने डिस्पैरिटी हो रही है दो और उससे ज़्यादा सीरीज में, हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टू नो वेदर द सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट द सीरीज और नॉट। यानी कि जो हमने एवरेजेस फाइंड आउट किया, मीन, मीडियन, मॉड फाइंड आउट किया, वो सीरीज को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी हमें डिस्पर्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। देखो, अब डिस्पर्शन की दो मेजर्स होती हैं, वो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो स्टार्ट करते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर। देखो, व्हेन डिस्पर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ सीरीज। यानी कि जब हम डिस्पर्शन को उसकी ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ सीरीज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट मेजर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर हम प्राइस सीरीज की डिस्पर्शन है अगर उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इसी तरीके से वेट सीरीज की डिस्पर्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। सो ये होगी हमारी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसका यूज कब होता है? When only one set of statistical distribution is under consideration। देखो, absolute measure तभी use की जा सकती है अगर हमारे पास एक ही set हो statistical distribution का। Friends, आपको hopes अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा dispersion का meaning क्या है, उसकी definition, उसके objectives, उसकी हमने एब्सोल्यूट मेजर भी कर ली। अब हम करने जा रहे हैं रिलेटिव मेजर। देखो, व्हेन डिस्पर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज। यानी कि रिलेटिव मेजर डिस्पर्शन की ये रहती है, जब हम डिस्पर्शन को कोई परसेंटेज में या इन टर्म्स ऑफ कोई रिलेटिव वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर। अब रिलेटिव मेजर कब यूज होती है? व्हेन वन स्टडीज टू और मोर सीरीज साइमल्टेनियसली।
देखो एब्सोल्यूट मेजर में मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट मेजर तब यूज होते हैं जब हमारे पास वन सिंगल सेट है स्टैटिकल डाटा का, बट अगर हमारे पास दो और दो से ज्यादा सीरीज है तब हम उस रिलेटिव मेजर यूज करेंगे, क्योंकि दो और दो से ज्यादा सीरीज में अगर हम अपनी एब्सोल्यूट मेजर यूज करेंगे दैट विल मेक आवर फाइंडिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो उसके लिए ऑलवेज रिलेटिव मेजर यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, यानी किन किन मेथड से हम डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। देखो हमने जैसे क्या है कि डिस्पर्शन कैन बी एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, सो मेथड्स भी अकॉर्डिंगली डिफाइंड है, इवन कि डिवाइडेड है। एब्सोल्यूट मेजर में हम करेंगे रेंज, सेकंड हमारी क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, हमारी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व। इसी तरीके से रिलेटिव मेजर में हम करेंगे कॉफिशेंट ऑफ रेंज, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट की जाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व, सबको हम डिटेल में करेंगे। सो फ्रेंड्स होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया। सो प्लीज़ भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, एंड इवन लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, तो जो जब भी मैं आपको वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन ऑफ माई चैनल प्रब ट्यूटरिंग।